मोदी को गाली देते रहते हैं। बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों ने जब उनके भ्रष्टाचार की जांच शुरू की तो ये लोग जांच एजेंसियों को भी गालियां देने लगे। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। कांग्रेस ने 7 दशक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो मॉडल डेवलप किया, बीआरएस उसी पर चल रही है। दोनों की मंशा मिलकर राज्य की संपत्ति को लूटने की है। ये दोनों पार्टियां अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाने में लगी हैं। उन्हें आपके बेटे बेटियों की कोई परवाह नहीं है। बीआरएस ने सत्ता में आने के लिए जो बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना की सरकार ने युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। टीएसपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 9 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। छात्रों ने वर्षों तक परीक्षा होने का इंतजार किया। बीआरएस की नाकामी ने तेलंगाना की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये हाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, राज्य में होने वाली हर परीक्षा में गड़बड़ी इस सरकार की पहचान बन गई है। आज युवा पूछ रहे हैं, बीआरएस के रोजगार के वादे का क्या हुआ?